डाक विभाग हरियाणा की मुख्य पोस्ट मास्टर जनरल रंजू प्रसाद ने कहा है कि उनके विभाग और UHBVN और DHBVN में बिजली बिल को लेकर हुआ है समझौता। अब 20,000 तक के कैश बिजली बिलों का भुगतान डाकखाने में किया जाएगा। यह समझौता 1 अक्टूबर से लागू होगा। DHBVN के फिलहाल 3 जिले फतेहाबाद, हिसार और सिरसा में यह पायलट प्रोजेक्ट किया जाएगा शुरू, और जल्द ही इसके 9 जिलों में भी यह प्रोजेक्ट शुरू किया जाएगा। हरियाणा की मुख्य पोस्ट मास्टर जनरल रंजू प्रसाद ने घोषणा की है कि डाक विभाग और हरियाणा बिजली वितरण निगम में 20,000 रुपए तक के कैश बिजली बिल भरने का समझौता हुआ है, जो 1 अक्टूबर से शुरू हो जाएगा। इसमें बिजली उपभोक्ता शहरी व ग्रामीण इलाके के डाकघरों में अब अपना बिल बिना किसी असुविधा के भर सकेंगे। अब उन्हें बिजली विभाग की लंबी लाइनों में खड़ा नहीं होना पड़ेगा। इसी तरह दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम से भी ऐसा ही समझौता हुआ है, जिससे अभी तक 3 जिलों फतेहाबाद, सिरसा और हिसार के उपभोक्ता को इसका लाभ मिलेगा, और बाकी 9 जिलों में भी जल्द ही यह सेवा शुरू की जाएगी। जैसे ही उपभोक्ता का बिल भरने पर उसे रसीद मिलेगी, वैसे ही UHBVN और DHBVN पर भी उसका डेटा चला जाएगा। इसके साथ कोर बैंकिंग में भी उपभोक्ता को किसी भी जगह तुरंत पैसा पहुंचा रहे हैं। ऐसे ही कोविड काल में भी हमने जरूरतमंदों को, चाहे वह अशक्त महिला हो, बीमार व्यक्ति हो, लेबर हो या अन्य, सभी को उनका 150 करोड़ रुपया ट्रांसफर उन तक किया है, चाहे कोई घर हो या अस्पताल में हो। आज का दिन डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के लिए ये बहुत ही यादगार दिन है। ये इस तरह से कि जो बिजली के बिल आम जनता भरती है, व्यावसायिक प्रतिष्ठान भी, वो हम लोगों ने ऑलरेडी, हमारी एक MOU हुई थी उत्तर हरियाणा बिजली निगम के साथ, वितरण निगम के साथ हुई थी, और वहाँ हम लोगों ने 10 जिलों में जितने हमारे पोस्ट ऑफिसेज हैं HO और SO में, लोग वहाँ 20,000 तक कैश में उसमें जमा कर सकते हैं बिजली का बिल, और उनको कोई एक्स्ट्रा नहीं लगेगा। और इसी तरह से आज हम लोग 1 तारीख कल से दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम जो है उसके साथ भी हम लोग ये एक टाइप कर रहे हैं, जिससे अभी 3 जिलों में ये कल से शुरू हो रहा है पायलट प्रोजेक्ट के रूप में, फतेहाबाद, हिसार और सिरसा जिलों में। इसके बाद ये बाकी जो 9 जिले रहेंगे वो उनमें भी लागू किया जाएगा। इसमें जनता बहुत खुश है, क्योंकि उनको कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं लग रहा है और ये उनके बिल्कुल नज़दीकी डाकघरों में उपलब्ध है। इसमें भी टेक्निक्स का इस्तेमाल किया गया है, जो टेक्नोलॉजी है उसका इस्तेमाल किया गया है। जो वो पेमेंट करेगा उसकी रसीद भी जनता को मिल जाएगी, जो भी कस्टमर है उनको मिल जाएगी, और साथ ही साथ निगम के सर्वर पर भी उसका डेटा चला जाएगा। इस तरह से ये एक बहुत बड़ी, बहुत बढ़िया सुविधा उपलब्ध है, और आम जनता को भी इसमें बहुत खुशी है।